लाइफ में किसी भी चीज को पहली बार करने के लिए ना थोड़ा डर तो लगता ही है, वैसे ही सोलो ट्रैवलिंग भी है। ट्रस्ट मी, आज भी जब मैं सोलो ट्रिप पे जाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर रहता है कि वो नई जगह कैसी होगी, नए लोग वहाँ के कैसे होंगे एंड सो ऑन। बट ओवर द टाइम मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की, जो मैंने सीखा सोलो ट्रैवलिंग में, मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। और आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करें, इंडिया बात करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको अपनी बैक स्टोरी बता देना चाहती हूँ कि मैंने कैसे सोलो ट्रैवल स्टार्ट किया और मेरी क्या स्टोरी थी, मैंने किस तरीके से सोलो ट्रैवल करना शुरू किया, वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ ताकि आपको भी रिलेटेबल लगे कि मैं भी आपकी तरह ही हूँ। और 2016 में मैंने अपनी पहली सोलो ट्रिप की थी। मैं उसे कम्प्लीटली सोलो ट्रिप नहीं कहूँगी बिकॉज वो कुछ मैं स्ट्रेंजर्स के साथ गई थी। अब वो स्ट्रेंजर्स के साथ ये कैसे ट्रिप बना, तो मैं पूछ पूछ के लोगों को कह कह के थक चुकी थी कि यार मेरे साथ ट्रिप पे चलो, मेरे साथ ट्रिप पे चलो। और मेरे कोई फ्रेंड्स जल्दी रेडी नहीं होते थे, किसी के घर से परमिशन नहीं मिलती थी, कई बार किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाता था और कोई भी जाने के लिए रेडी नहीं था। एंड वन डे, उस टाइम पे मैं रेडियो में काम करती थी और हमारे कलीग था जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ सिक्किम ट्रिप पे जा रहा था एंड मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती थी। और वो जो मेरा कलीग था, मेरी उससे भी इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, बट वो हमारे ऑफिस में ही था सो डेफिनेटली थोड़ा इंटरेक्शन तो होता ही है। एंड आई वॉज लाइक कि ओके तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। आई जस्ट कैजुअली आस्क्ड हिम एंड ही वॉज लाइक कि या हम स्कूल के फ्रेंड्स जा रहे हैं, आफ्टर लॉन्ग वी आर प्लानिंग एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू कैन। सो मुझे उस टाइम पे यही लगा कि यार ये एक तरीके से मेरा सोलो ट्रिप ही होगा बिकॉज दे आर स्कूल फ्रेंड्स और वो पांच लोग अपना एक ग्रुप बना के जा रहे हैं एंड बीच में मैं शायद उनको डिस्टर्ब ना करूं। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ओके लेट इट काउंट लाइक अ सोलो ट्रिप और मैं ये मेरे पेरेंट्स को लगेगा भी कि किसी के साथ गई है एंड इट विल बी नॉट लाइक दैट एज वेल। सो एक तरीके से सोलो था और एक तरीके से नहीं भी था आप कह सकते हैं, बट ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था। एंड उसके बाद से मुझे कहीं ना कहीं एक अंदर से हिम्मत आ गई और ये लगने लगा कि यार आई कैन डू दैट। और उसके बाद धीरे 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 जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, फिर यहाँ से मैं सोलो ट्रिप करने लगी और मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा। और सब चीज़ें खुद से प्लान करना, अपनी आइटनरी प्लान करना, अपने टिकट्स बुक करना, अकेले बस में ट्रैवल करना, ट्रेन में ट्रैवल करना, ट्रेन के लिए वेट करना, ट्रेन अगर लेट हो जाए तो भी वेट करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने ओवर द टाइम सीखी। बट इन सारी चीज़ों को मैंने ना 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। अब वो 10 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी सोलो ट्रिप को इजी, कंफर्टेबल और पहला स्टेप लेने के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज वीडियो। फर्स्ट पॉइंट, टेक अ फर्स्ट स्टेप। यस, क्योंकि अगर आप वो फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप लोगे ही नहीं तो आप वो ट्रिप कभी भी प्लान नहीं कर सकते हो। लोग कहते रह जाते हैं कि हिमानी मैं भी सोलो ट्रिप करना चाहती हूँ, हिमानी कैसे किया जाए सोलो ट्रिप, मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। बट आप जब तक वो पहला स्टेप नहीं लोगे तब तक आप सोलो ट्रैवल कैसे स्टार्ट करोगे। सो मैं कहती हूँ आप जिस भी स्टेट में रहते हो स्टार्ट फ्रॉम देयर, आप वहाँ से स्टार्ट करो, उस स्टेट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, अकेले टू नाइट के लिए कहीं पर जाकर स्टे करो, आसपास की कोई जगह आप घूमो, उसके बाद फिर स्टेट से बाहर निकलो एंड देन फिर आप दूसरे स्टेट्स को एक्सप्लोर करो, देन थोड़ा दूर वाला स्टेट जाओ। लाइक आप अगर कहीं पर, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से थी तो मैं हिमाचल आई, सो ऐसे इतना डिस्टेंस वाला आप कोई स्टेट एक्सप्लोर करो, देन फिर आप ऐसे करते करते अपनी पूरी कंट्री इजीली घूम सकते हो, राइट? सो टेक अ फर्स्ट स्टेप। नंबर टू, डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज हर चीज में होती है। सी, लाइफ में आप कोई भी चीज को पहली बार करोगे तो आपको डिफिकल्टीज जरूर होगी, चाहे फिर वो पहली बार साइकिल चलाना भी क्यों ना हो, कार ड्राइविंग सीखना क्यों ना हो, सारी चीजों में डिफिकल्टी होती है। आपको उस चीज में डाइव मारना पड़ेगा। लाइक पहली बार स्विमिंग करने के लिए पानी में कूदना ही पड़ता है, सो वैसे ही सोलो ट्रैवलिंग भी है। और डर तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि मुझे भी आज तक डर लगता है किसी भी नई जगह जाने से पहले। ऑब्वियसली मैं उस जगह को लेकर थोड़ी सी तो नर्वस होती हूँ कि कैसा होगा ट्रिप, क्या होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, आई मीन हेल्प अगर मुझे कहीं पर जरूरत पड़ गई किसी की मेरा, क्योंकि वहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो व्हाट विल आई डू, और बहुत सारी चीजें दिमाग में
घूमती रहती है, पर उन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करके हमें कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए सो दैट हमारी जो सोलो ट्रिप हो वो स्पॉइल ना हो और काफ़ी मेमोरेबल हो। नंबर 3, लोनलीनेस। हाँ, कई लोग कहते हैं कि क्या तुम्हें अकेला नहीं लगता है जब तुम सोलो ट्रिप पे जाते हो, तो बोर नहीं हो जाते हो? सो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि मैं तो काफ़ी, ना तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ ना ही मैं ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैं जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में जो होता है ना, वहाँ पर कहीं लाइक करती हूँ। और टू बी ऑनेस्ट, मैं जब भी सोलो ट्रिप पे जाती हूँ ना, मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करती हूँ। लाइक मैं कहीं हॉस्टल में स्टे कर रही हूँ या कहीं पर मैं घूम रही हूँ और मुझे कोई ऐसे लोग मिल गए, कहीं कैफे में मैं बैठी हुई हूँ और मुझे कोई लोग मिल गए जिनसे मुझे लगता है कि ये दे आर इंटरेस्टिंग और वो अपनी कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, तो मैं उनसे बात भी कर लेती हूँ। एंड मुझे जिस तरीके से फिर अच्छा लगता है, पूरा दिन खत्म होने के बाद अपने रूम में आकर रिलैक्स करो और सुबह उठ के विंडो के कर्टन हटा के सनराइज देखो और बाहर के नेचर को इंजॉय करो, अकेले बैठ के बुक पढ़ो, ये वाला टाइम भी मुझे काफी पसंद है। सो दैट्स व्हाई आई लव सोलो ट्रैवलिंग। नंबर 4, मीडिया। नाउ मैंने इस पॉइंट को क्यों ऐड किया, क्योंकि हम सब आए दिन पढ़ते रहते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ के लोग बुरे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज। हर जगह पे जो है कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। लाइक ये 5 उंगलियाँ ही हमें बचपन से सिखाया जाता है कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है, ऐसी सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ जगह पर आपको अच्छी चीज़ मिलेगी तो थोड़े बुरे लोग भी मिलेंगे, बट ये हर जगह होता है। ये किसी एक स्टेट को, किसी एक सिटी को आप नहीं बोल सकते हो कि यहां पर सिर्फ बुरे लोग ही पाए जाते हैं, यहां पर सिर्फ अच्छे लोग ही पाए जाते हैं, ये कुछ होता नहीं है ऐसा। बट इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट बात बताना चाहती हूं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, तो रात को कभी मत निकलो। मैं हमेशा मेक श्योर करती हूं कि मैं जब अकेली हूं तो मैं नाइट लाइफ अवॉइड करती हूं किसी भी जगह की, चाहे फिर वो बेस्ट क्यों ना हो वहां की नाइट लाइफ, मैं कभी भी रात को वहां से नहीं निकलती हूं। सनसेट के बाद अराउंड में अपने हॉस्टल में वापस आ जाती हूँ और हॉस्टल में ही चिल करती हूँ। एंड दिस थिंग ब्रिंग मी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिसर्च। नाउ रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस जगह पर जा रहे हो ये तो ठीक है, आपको पता है, बट आपको उस जगह के बारे में रिसर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिफोर यू आर लिविंग फॉर द प्लेस, आपको उस जगह के बारे में रिसर्च कर लेना चाहिए थोड़ा सा कि आप कौन कौन सी जगह पर जाएंगे, बेसिक चीज़ें। लाइक आप स्टेशन से उतरेंगे तो आपका हॉस्टल कितनी दूर है, आप अपने हॉस्टल के आसपास आपकी कौन सी ऐसी जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस जगह पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी है, या फिर व्हाटएवर, लाइक थोड़ा बहुत रिसर्च आपको कर लेना चाहिए उस जगह के बारे में। डिस्टेंस एटलीस्ट कर लेना चाहिए कि वहाँ से रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, जहाँ जैसे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट से कितना डिस्टेंस है, क्या एक एवरेज टैक्सी कैब उस जगह का फेयर लेती है, वहाँ पर क्या रेट है, ये सब चीज़ों को आपको रिसर्च करके ही जाना चाहिए। एंड इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट नंबर सिक्स इज मैप एंड ऑफलाइन मैप। नाउ आप ऐसी जगह पर हो जहां पर नेटवर्क अच्छा है, तब तो वेल एंड गुड है, बट कई बार पहाड़ों में, हिल स्टेशंस में स्पेशली नेटवर्क नहीं आता है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड कर लें। नाउ ऑफलाइन मैप आप डेफिनेटली गूगल से अपना डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं उस जगह का जहां पर आप जाने वाले हो, सो दैट कि आप अगर वहाँ पर कहीं ट्रैक पे गए हो या फिर मार्केट तक गए हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब कैसे पहुँचा जाए, आपका नेट भी वर्क नहीं कर रहा है, सो यू हैव बैकअप, यू हैव ऑफलाइन मैप, सो दैट कि आप इजीली पहुँच सकते हो आप जहाँ पर स्टे कर रहे हो वहाँ तक। नंबर 7, गो लोकल। बाय मीन्स ट्रांसपोर्टेशन हो, फूड हो या स्टे हो, आप जिस भी जगह पर जा रहे हो वहाँ के लोकल्स जो बिजनेस करते हैं आप उन्हें ही सपोर्ट करो, उसे ही यूज़ करो आई मस्ट से, क्योंकि जैसे आप हिमाचल जा रहे हो फॉर एग्जांपल, सो वहाँ की जो HRTC की जो बसेस होती है, मुझे लगता है आपको उसमें ट्रैवल करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू हायर अ कैब, डेफिनेटली आप वहाँ के लोकल से ही हायर करोगे, शेयरिंग कैब्स होती है, आप वो हायर कर लो। इफ़ सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप अकेले एक पूरी गाड़ी हायर तो नहीं करोगे, और मैं ये सजेस्ट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग बजट ट्रैवलिंग होता है और हमें काफ़ी दिमाग से, सूझबूझ से अपना ट्रिप प्लान करना होता है। तो ऐसे लोकल कैफेज होते हैं, लोकल ऐसे होम स्टेज होते हैं जो कि गर्मा गर्म खाना सर्व करते हैं, होम
मेड, सो आप वो ट्राई करो। इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट है विच इज पॉइंट नंबर 8, जो कि है आप स्टे हॉस्टल में ही करो इफ यू आर ट्रैवलिंग सोलो। यस, आपको मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगी, और ये मैंने कई बार शायद पहले भी एक आध वीडियो में बोला था कि इफ यू आर ट्रैवलिंग सोलो आप बिल्कुल हॉस्टल में ही स्टे करो, होटल वगैरह में ना स्टे करो, बिकॉज ज्यादा सेफ तो, या सेफ्टी इशू को अगर हम ना भी देखें तो एक तरीके से हॉस्टल में आपको अकेला नहीं फील होता है, बिकॉज एक डोम होता है जहां पर बंक बेड्स होते हैं, तो आपके साथ साथ कुछ और भी ट्रैवलर्स होंगे। बाकी मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि मैं जिस डोम में रहूँ वो फीमेल डोरमेट्री हो, सो दैट कि वहां पर लड़कियां ही हो। नो ऑफेंस, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट थोड़ा सा कंफर्टनेस जो है वो मैं अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से मैं हमेशा वही प्रेफर करती हूँ। एंड विद दैट पॉइंट नंबर 9 की लर्न टू से नो। हाँ जी, आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी कि मैंने जब सिर्फ ट्रैवलिंग की बात नहीं है, मैं नॉर्मल लाइफ में भी किसी को ना जल्दी नहीं बोल पाती हूँ किसी चीज़ के लिए। सो ट्रैवलिंग में तो आपको बिल्कुल सीखना पड़ेगा, बिकॉज द मोमेंट यू एंटर स्टेट, और आप जिस जगह पर भी स्टेट, बस से आप उतरोगे या फिर ट्रेन से आप उतरोगे, बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि दे आर टूरिस्ट, यू आर होल्डिंग योर बैकपैक और आपके पास सूटकेस है, जो भी है आपको देखकर समझ जाएंगे कि यू आर टूरिस्ट, और आपके पीछे पड़ जाएंगे कि मैडम चलो मैं आपको अच्छा वाला होटल लेके चलता हूँ, मैम चलिए मैं आपको वहां तक ड्रॉप कर देता हूँ, आपको सस्ते में हम पहुंचा देंगे, आपके लिए हमारे पास अच्छा पैकेज है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट आप कभी भी इन सारे ट्रैप्स में मत आना। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, वहां से निकलते ही जो आप गलती करते हो ना कि वहां से बुक कर लेते हो, दैट विल बी योर वर्स्ट डिसीजन एवर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। यस, आपको इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज नो मैटर आप अकेले हो, आपका उस जगह पर कोई भी नोन नहीं है, यू आर ट्रैवलिंग अलोन, आप अपनी फैमिली से डेफिनेटली टच में रहो, ये मैं एडवाइस करूंगी, क्योंकि हमेशा किसी ना किसी से आपको टच में रहना चाहिए, और रोज एक बार आप जिनसे भी टच में हो उन्हें कॉल कर लो और बता दो कि आप कहाँ पर हो, दैट्स कंपल्सरी। हाँ, ये आपको जरूर करना चाहिए, बट आप अपने गट्स पे कैसे, अपने इंट्यूशंस पे कैसे आपको ट्रस्ट करना है, ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे होते हो, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी जगह पर जा रहे हैं और हमें अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार नहीं जाना चाहिए, यार ये नहीं करना चाहिए, बट स्टिल हमें ऐसा लगता है चलो कर भी लेते हैं, फिर हमारा माइंड कहीं एक बार कहता है कि चलो कर लेते हैं, अब कब आएंगे वापस यहाँ पर। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपको अगर लग रहा है नहीं जाना चाहिए, सो डोंट गो देयर। आपको लग रहा है अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, डोंट डू दैट। आइए, सो दीज आर द 10 points guys which I wanted to cover in this video। आप मुझे बताना कि आपको और अगर डिटेल में इसका वीडियो चाहिए, और डिटेल में, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी लंबी बात कर सकती हूँ, पर मैं एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर करूँगी तो आप भी बोर हो जाओगे और आपको लगेगा कितना ज़्यादा लंबा वीडियो है। सो मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन पर, अगर आपको इसका और डिटेल्ड वीडियो देखना है तो मैं 20 points कवर कर सकती हूँ इन दिस टॉपिक। Yes, I can. So, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट बना सकती हूँ। बट या, दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो गाइज। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल। इफ यू डिड, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।